शक्करपारा दिवाली की सबसे इजी और टेस्टी स्नैक। तो आज अशमुद किचन में हम बनाने जा रहे सबसे खस्ता, मुंह में घुल जाने वाला, मार्केट के बिस्किट जैसा दिवाली का स्नैक। हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी और आप सभी लोगों का आपके इस चैनल अशमुद किचन में बहुत स्वागत करती हूं। जैसे कि आपने थंबनेल और इंट्रो में देखा, तो आज हम हमारे किचन में बनाने जा रहे खस्ते अच्छे लेयर वाले शक्करपारे। तो चलिए बनाने के लिए शुरुआत करते हैं इस आसान सी रेसिपी को। तो ये शक्करपारे बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 कप मैदा लिया है। उसी कप के मेजरमेंट से 1/2 कप पानी, आपको चाहिए तो यहाँ पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1/2 कप घी लिया है, 4 से 5 इलायची का पाउडर, 1 से 2 पिंच नमक और 1 पूरी कप पिसी हुई चीनी ली है। तो यहाँ एक बड़े बाउल में मैंने पूरी चीनी इसमें डाली है और इसी में हम जो 1/2 कप पानी लिया है ना उसको डालते हैं और इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है ताकि शक्कर की गुठलियाँ ना रहे। एक बार चीनी अच्छे से घुल जाए उसमें हम डालेंगे इलायची का पाउडर और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस सिरप को अच्छे से छान के लेंगे ताकि चीनी इलायची के कण मैदे के आटे में ना आए। ये हुआ हमारा शुगर सिरप रेडी। उसके बाद मैंने अभी गैस ऑन करके उस पर एक छोटा सा पैन रखा है, उसमें अभी हम डालेंगे घी और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे ताकि घी अच्छे से गर्म हो जाए। और यहाँ इस मैदे को एक बड़े प्लेटर में लेंगे ताकि हम शक्करपारे के आटे को अच्छे से गूंथ सके। अभी आप यहाँ देख सकते हो कि घी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो रहा है और गर्म हो रहा है। अभी इसी गर्म घी को हम इस मैदे के ऊपर डाल लेंगे। घी जो है वो घी बहुत गर्म है, इसलिए हमें एक चम्मच के सहारे से उसको अच्छे से कंबाइन करना है और घी थोड़ा आटे में घुल मिलने के बाद उसको मैं हल्के हाथ से ऐसे मिक्स करके ले रही हूँ। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि आटे ने पूरे घी को एब्जॉर्ब किया है। अभी इसमें जाएगा 2 पिंच नमक, इसको भी हमें अच्छे से कंबाइन करके लेना है और अभी इस आटे में थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप डाल के आटा अच्छे से गूंद के लेना है। इस आटे को हमें ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना है और ज्यादा हार्ड भी नहीं बनाना है। यहाँ हमारा जो शुगर सिरप है वो पूरा खत्म हुआ है और ये जो आटा है उसको फाइनल टच देके पूरा गूंद के लेते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि जो शक्करपारे का आटा है ना वो पूरा गूंद के रेडी हुआ है। उसको अभी हम एक बाउल में निकाल के लेते हैं और उस पर एक ढक्कन ढक के 40 से 45 मिनट तक रेस्ट होने देते हैं ताकि आटा अच्छे से कंबाइन होके रेडी हो जाए। अभी 45 मिनट के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आटा कितने अच्छे से सेट हुआ है। तो इसके हम चपाती पोली से भी थोड़े बड़े ऐसे गोले बना के लेते हैं। मैंने पूरे आटे के ऐसे बॉल्स बना के लिए हैं और अभी हम एक पोली के बोर्ड पर रखकर उसको अच्छे से बेल के लेते हैं। आपको चाहिए तो आप पोली बेलने के लिए सूखा आटा भी यूज कर सकते हो। यहाँ पोली बेलते वक्त हमें इतना जो कॉर्नर्स है ना वो टूटे हैं इसका ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमें वो बाद में कट करना है। मैंने करीबन ऐसे 1/4 इंच के हाइट की एक ऐसी पोली बना ली है। अभी इसको हम एक नाइफ की मदद से शेप्स देके कट करते हैं। सबसे पहले मैंने कॉर्नर्स कट करके ले रही हूँ मैं ताकि शेप्स अनइवन ना आए। पहले मैं इसको ऐसे वर्टिकली कट करूंगी और अभी थोड़ा बोर्ड को घुमा के फिर से कट करूंगी। हमें स्क्वायर शेप्स के शक्करपारे बहुत पसंद है इसलिए मैंने ऐसे कट किया है। आपको अगर डायमंड शेप चाहिए तो आपको थोड़ा क्रॉस एंगल कर रख के उसको कट करना पड़ेगा। मैंने इतने हाइट का एक ऐसे शक्करपारे बना के लिए हैं। अभी सब शक्करपारे को हम ऐसे सेपरेट करके एक थाली में लेते हैं। मैंने शक्करपारे बनाते वक्त ही ऑलरेडी तेल को ऐसे गर्म होने के लिए रखा था। तेल अभी अच्छे से गर्म हुआ है। अभी हम 1-2 शक्करपारे उसमें डाल के चेक करेंगे कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। अभी तेल अच्छे से गर्म हुआ है तो मैं बाकी शक्करपारे को भी उसमें डाल के ले रही हूँ। अभी इस शक्करपारे को ना हमें अच्छे से मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। ज्यादा हमें फ्राई नहीं करना, उसका कलर बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना है हमें क्योंकि तेल में से निकालने के बाद भी उसकी प्रोसेस चालू ही रहती है और फिर से कलर थोड़ा चेंज होता है।
यहाँ हमारे जो शक्करपारे हैं वो अच्छे से फ्राई हुए हैं। अभी इसको हम साइड में निकाल के लेते हैं। मस्त एकदम लेयर वाले शक्करपारे हमारे बन के रेडी है। इसको हम एक टिश्यू के ऊपर रख देंगे ताकि तेल जो है एक्सेस तेल सोक हो जाएगा। और इसी तरह मैं बाकी बैचेस को भी फ्राई करके ले रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने अच्छे लेयर्स इस शक्करपारे को आ रहे हैं। मैं और एक आपको बैच उसमें फ्राई करके दिखाती हूँ। ये जो लास्ट बैच उसी जो कट किया था ना उसका ही लास्ट बैच मैंने इसमें डाला है। आपको दिख रहा होगा कि लेयर्स कितने अच्छे आ रहे हैं और इससे ही ये शक्करपारे ना बहुत खस्ते हो जाते हैं। इस लास्ट बैच को भी मैं निकाल के लेती हूँ और इसी तरह मैंने सारे शक्करपारे को ऐसे बना के लिए हैं। ऐसी खस्ती लेयर वाली शक्करपारे के लिए एक लाइक तो जरूर हो जाए। मुझे पता है कि आने वाली दिवाली के टाइम में आप ये शक्करपारे की रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपके इस चैनल अशमोर किचन को वायरल कर देना। तो चलिए मिलते हैं और भी टेस्टीएस्ट रेसिपी के साथ, तब तक धन्यवाद।